पता नहीं कैसे आते आते हमने देखा ही अचानक पता नहीं कैसे यहाँ पे वो फ्रेंड्स, मैं मोनू सोरघाटी पिथौरागढ़ से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनू डायरीज में। तो आज फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। नई वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं अभी ये मटेला नाम की जगह से, और अभी हम जा रहे थे थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और ले चलते हैं आपको जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ, और आज का सफ़र हमारा कैसा होता है देखते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए इन तक, तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी हम ये यहाँ पे को हैं ये वी पॉइंट में, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे को, और मैं आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। ये अब हम दोनों जा रहे हैं, बैठ जाओ चलो। आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा, ये सुबह सुबह का। चुके हैं घाट से थोड़ा आगे, अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, और अब हम तो सुबह सुबह निकल गए थे। अभी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। अभी ना हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं थोड़ी देर, सुबह सुबह आगे इतने घर से अब थक गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ना हम घर से चिप्स वगैरह लाए थे, और अब हम यहाँ से खा के निकल रहे हैं आगे की ओर, और पहुँचते जैसे हम वहाँ पहुँचते फिर वीडियो को बनाते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं लोहागढ़, और ये है लोहागढ़ मार्केट कैसे शुरू होती है। तो अब हम पहुँच चुके हैं ये कोली ढेक जलाशय सिंचाई विभाग उत्तराखंड जो लोहागढ़ में है। अब हम जाते हैं अंदर को, और ये देखिए सुंदर सा नज़ारा कोली ढेक झील का। हम ना काफ़ी टाइम से यहाँ आने का प्लान बना रहे थे, तो आज ही आज आ पाए हम यहाँ काफ़ी टाइम से। ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे कोई। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं कोली ढेक झील है लोहागढ़ में। कहाँ पे लगाओगे? हाँ यहाँ पे लगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे गाड़ी भी रख दी है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर को। दो चलाते हैं। बाड़ा सुर का किला भी है रे यहाँ, वो कहाँ है? यहाँ तो देखो, यहाँ तो देखो, हेलो तो कर दो आप भी। आगे आगे बोल रहे हेलो, शर्म आती है इनको मुझे देख के। कोली ढेक झील, कोली तो बोल रही हूँ मैं भी, ओली थोड़ी ना बोला मैंने, वो आगे से। ये यहाँ पे को हमारी कोली ढेक झील लोहागढ़ से थोड़ा मार्केट से आगे को आके पड़ती है ये। देखो तो फोटो भी नहीं, उत्तराखंड अतिथि देवो यहाँ देख लो, ये कौन सी वाली में बैठना है।
दो दिन वाली, बच्चों का टिकट भी लिया जाएगा। बस यहाँ पे को है ये बोर्ड स्टैंड। चलो कौन से वाले में बैठे हो, ऑरेंज व्हाइट वो आए देखो दो वाला, कौन से वाले में बैठोगे बताओ है, कौन से वाले में? ये तीन तो है देखो, कलर बताओ आप, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, किस में बैठना चाह रहे? ऑरेंज में बैठे, व्हाइट में, व्हाइट में बैठते, ये वाला व्हाइट। तो अब हम ये बैठ गए हैं बोट में, वो आगे था, आप ही चलाओ, मैं तो नहीं चला रही मैं नहीं चला रही हूँ ये। हमने पहन दी लाइफ जैकेट, तो कोली लेक का नजारा, झील का, वाह कितनी सुंदर लग रही है, पूरे देवदारों के पेड़ों के बीचों बीच है झील। आगे भी ना वहाँ पे वो भी है, क्या बोलते हैं उसका नाम, वो देखो उसको रे, वो वाटर बॉल, हाँ मैं ही चलाऊँ ये, ऐसे चलाना पड़ रहा है इसको। क्यों नहीं, 10 मिनट में, 10 मिनट आप। इंजॉय करने के लिए वहाँ देखो और भी आए हैं, और ये हमने ना वाइट कलर का बत्तख वाली ये ली है बोट। ठीक ठीक ठीक, दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ, कौन पहले? चश्मा है, मैं नहीं लग रही हूँ अच्छी। ये देखो यहाँ खुद ही चलाने वाली बोट है ये, और वहाँ से पूरी इधर से ऐसे उठते, अभी तो और लोग भी आने लग गए हैं, अभी तक कमी थे, धीरे धीरे लोग ज़्यादा आने लग गए हैं यहाँ पे को। हम जा रहे हैं वापस बोट से उतरने के लिए, और चलते हैं आगे को, वहाँ भी जा रहे हैं क्या? कितना बज गया टाइम देखते हुए, टाइम तो ही गया। यहाँ पे खींच दो क्या मेरी फोटो, वहाँ पे खींच दो क्या मेरी फोटो? अच्छा वहाँ पे से शुरू होती है, और इससे आगे को यहाँ से पूरा वो आगे तक है, को दिखाती हूँ। अलग अलग प्रकार की बोटें हैं यहाँ पे, ड्रैगन वाली, थक वाली, नॉर्मल, और वो उधर लास्ट कोना है झील का वहाँ। दोस्तों हम अब आ चुके हैं कोली झील से वापस, फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, और अब हम चलते हैं मार्केट की ओर। मार्केट की ओर पहुँच के अब देखते हैं कि हम लंच में कहाँ पे को करते हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर को। चलो ये लोहाघाट में, लोहाघाट किचन है, वहाँ आए हुए हैं लंच करने के लिए। अब हमारा लंच आ चुका है, अब हम लंच करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो अब हो चुका है हमारा लंच, हम फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, और चलते हैं हम पिथौरागढ़ की ओर वापस लोहाघाट से।
हम रास्ते में आ रहे थे, देखिए यहाँ पे कोई गाड़ी पलट गई है, पता नहीं कैसे आते आते हमने देखा ही अचानक, पता नहीं कैसे यहाँ पे कोई कैसे कंट्री होती है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, वहाँ पे को ना बहुत बड़ा मतलब गाड़ी लगी तो किसी को नहीं थी, लेकिन पूरी गाड़ी पलट गई थी, पता नहीं किसकी गाड़ी थी, पूरी गाड़ी पलटी हुई थी। अभी हम यहाँ पे को रुके हुए हैं और अब हम जा रहे हैं घर को वापस। घर पहुँचते पहुँचते मौसम देखो ऐसा खराब किया था, फाइनली अब हम घर पहुँच चुके हैं। अब डालते हैं हम गाड़ी को अंदर और फिर चलते हैं हम अंदर की।